दोस्तों, अगर आपके घर में एक भी जियो की सिम है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ जियो और एयरटेल के बीच वापस से जंग छिड़ चुकी है। और दोस्तों, इस बार जनता पूरा अफेक्टेड होगी और आप भी पर्सनली लेवल पे अफेक्टेड होंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक और खबर है बीएसएनएल से। बीएसएनएल में दोस्तों आप सभी को ज़्यादा डेटा मिलने लगा है, तो कितना डेटा मिलेगा सेम प्राइस में दोस्तों, ये भी जान लीजिएगा। और दोस्तों, एक और सीक्रेट खबर आप सभी को दूंगा वीडियो में आगे, तो वो जान लेंगे तो फ़ायदा ही रहेगा आप सभी को। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ उठाते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार करता हूं आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कैश करो के एक ऑफर के बारे में। कैश करो एक वेबसाइट है दोस्तों, जो कि आप सभी को रिवॉर्ड्स और कैशबैक देती है जब भी आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप कैश करो पे जाइए, साइन अप कीजिए और वहां पर एक और लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, जिस पे आप क्लिक करेंगे और फिर फ्लिपकार्ट पे जाएंगे और वहां से कोई स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आप सभी को 250 रुपये डायरेक्ट कैशबैक मिल जाएगा, रिवॉर्ड मिल जाएगा। और दोस्तों, वो 250 रुपये आपके कैश करो अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा कुछ दिन में, और दोस्तों उस 250 का इस्तेमाल करके आप वापस से शॉपिंग कर सकते हैं या फिर उसको बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं। तो कभी भी आप स्मार्टफोन खरीदिएगा। इनफैक्ट अभी तो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल चल रहा है, सारे स्मार्टफोन की कीमत घटी है। आप अगर स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं 4000 रुपये से ऊपर के, तो दोस्तों 250 रुपये तुरंत आप पा जाएंगे ऐसा डिस्काउंट। तो दोस्तों, अभी 10% का तो दोस्तों वहां पर कार्ड्स का, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का ऑफर चल रहा है, फिर उसके बाद 40% फ्लिपकार्ट खुद ही डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके ऊपर 250 रुपये और बचा लीजिए, आप ही के हाथ में है। अब BSNL के ऑफर के बारे में बात करें दोस्तों, तो BSNL में यहां पर 186 में दोस्तों आप सभी को 2GB डेटा रोज के लिए 28 दिनों के लिए मिल रहा था। रोज का दोस्तों आप 3-4 घंटे कॉल भी कर सकते थे, 100 SMS भी भेज सकते थे, पर दोस्तों इसमें रिविजन हुआ है और आप सभी को 2GB की बजाय अब 3GB डेटा मिलेगा। बिल्कुल सही सुने, 1GB एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, अब आप सभी 3GB डेटा रोज इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहां से जियो से काफी ज्यादा बेनिफिट है। जियो में 149 में आपको 1.5GB मिलता है और इसमें 186 में आप सभी को 3GB मिलता है। तो BSNL काफी अच्छा काम कर रहा है, इस बात के लिए वीडियो पे लाइक मांगता हूं। दोस्तों, अब जियो की न्यूज़ बताता हूँ आप सभी को। जियो अभी तक 20 सेकंड की रिंगिंग बेल आप सभी को देता था, मतलब अगर आप किसी कॉल करते हैं तो 20 सेकंड तक घंटी बचेगी, उसके बाद फ़ोन कट जाएगा। इससे दोस्तों जियो अपना IUC चार्जेस, मतलब इंटरकनेक्शन चार्जेस बचा लेता है। अब ये इंटरकनेक्शन चार्जेस होता क्या है ज़रा समझ लीजिए। अगर आप फ़ोन लगाते हैं जियो से एयरटेल में, तो यहाँ पर दोस्तों जियो को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, और दोस्तों अगर आप एयरटेल से जियो में फ़ोन लगाते हैं तो कुछ चार्जेस एयरटेल को भरना पड़ता है। तो दोस्तों उसी तरीके से जियो ने यहां पर 20 सेकंड का अपना रिंग टाइम रखा था। दोस्तों 20 सेकंड में कॉल कट जाती थी तो यहां पर मिस कॉल हो जाता था और यहां पर सामने वाला, मान लीजिए एयरटेल वोडाफोन, इन लोग को रिवर्ट करना पड़ता था। ये वाले जो दूसरे शख्स रहते थे दोस्तों, वो कॉल बैक करते थे और यहां पर इन लोग का चार्जेस कटता था। तो दोस्तों इस बात की कंप्लेन की एयरटेल वगैरह ने ट्राई में, और दोस्तों यहां पर जियो ने 20 सेकंड से 25 सेकंड कर दिया अपना रिंगिंग टाइम। लेकिन फिर भी दोस्तों एयरटेल वगैरह नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि दोस्तों वो सब 30 सेकंड का रखें और स्टैंडर्ड 30 सेकंड का ही है। तो दोस्तों अगर जियो इसको 30 सेकंड तक नहीं रखता है तो उसके ऊपर एक लंबा जुर्माना या फिर कह लीजिए कुछ ना कुछ घाटा तो सहना ही पड़ जाएगा सरकार और ट्राई की ओर से। तो मैं तो यहां देखता हूं कि वो बढ़ जाए तो ही ठीक है, नहीं तो अगर कोई जुर्माना वगैरह लगेगा तो हो सकता है कंपनी लॉस में जाए और उसका असर हम सब पे आ जाए। तो दोस्तों मैं तो जियो से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 30 सेकंड कर दे, इससे हमें कोई समस्या नहीं है। दोस्तों ये थी जंग जो छिड़ी है मार्केट में, अभी आप सभी को इसके बारे में अवगत होना जरूरी था। बस दोस्तों इतनी ही जानकारी, आज 1 अक्टूबर की तारीख को ये 3 खबरें मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इजाजत दें।